बिहार में पुलिस मुख्यालय के द्वारा 7-8 बिंदुओं पर समीक्षा के लिए कुछ थानों को बिहार में चिन्हित किया गया है। जैसे वहाँ की कार्य प्रणाली कैसी है ते देखना है, गश्ती की क्या व्यवस्था है, जमीनी समस्याओं का निपटारा किस तरह से हो रहा है, थानों की कठिनाइयाँ हैं वो किस प्रकार से है, इसी सब समीक्षा के लिए दरभंगा पहुँचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार। नगर थाना में इन्होंने थाने का निरीक्षण किया, कई पहलुओं पर इन्होंने जानकारी ली। उनके साथ दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार भी थे, सदर एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार, यातायात डीएसपी बिरजू पासवान सहित कई पुलिस पदाधिकारी उनके साथ थे। इन्होंने पत्रकारों को कई जानकारी दी, खास करके जमीनी विवाद समस्या एवं शराब संबंधी समस्या पर इन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी। इन्होंने कहा सरकार का जो नया कानून आया है उसमें कोई भी शराब माफिया वक्त से नहीं जाएंगे, वहीं भू माफिया जो हैं उन पर भी सरकार की कड़ी निगरानी है, कोई भी भू माफिया सरकार के नज़र से बच नहीं सकते हैं। इन्होंने क्या कहा वो आप सुने, दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। उनका इंस्पेक्शन या उनके वहाँ पर जाके जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस हेडक्वार्टर लेगी उनसे, वो जाके वहाँ पर जाके कार्य प्रणाली देखे कि किस तरह की कार्य प्रणाली है, चीज़ों को देखे और कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो गिरफ्तारी है, केसेस की पेंडेंसी है उसको देखना है। उसके बाद भूमि विवाद मेनली है, जो भूमिवाद के मामले हैं उनको देखना है कि भूमि विवाद के मामले में किस तरह से कार्रवाई पुलिस कर रही है, शनिवार को जिस तरह से बैठक होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं हो रही है, केसेस का निष्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कुछ सिलेक्टेड 7-8 बिंदु हैं, उन पर जाके मुख्यालय से जो सीनियर अफसर को दिया गया उसी क्रम में मैं दरभंगा में आया हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी आ गया हूँ, तो मैंने थानों का निरीक्षण किया है। तो एक तो निरीक्षण होता है, रेगुलर निरीक्षण जो होता है वो थाने के पूरे अभिलेख का रिकॉर्ड का वो करता है, वो हम लोग से अपेक्षा नहीं की गई, वो तो एसपी साहब डीएसपी साहब अपने क्षेत्रों में करेंगे। यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड बिंदुओं पर हम लोग को किया गया और यहाँ पर थाने की क्या कठिनाई है उसका निराकरण करने के लिए तो हम लोग को ध्यान है, और अगर उनकी कोई कठिनाई होती है तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे। तो मिला जुला के जैसे गश्ती की क्या व्यवस्था है, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, ये सब हम लोग देखेंगे। सर सबसे बड़ी समस्या जो आए दिन अभी हो रहे हैं सर जो शराब माफिया खास करके और भू माफिया है उनका दबदबा होने के कारण समाज में के लोग काफ़ी चिंतित हैं सर, कि इस पर सर क्या सरकार का कुछ निगरानी है कि वो किसे इस पर देखिए सभी पर निगरानी है। शराब माफिया की आप बात कर रहे हैं तो एसएसपी साहब यहाँ है, तो जो भी शराब बेचता है उसमें कार्रवाई होती है, शराब के संबंध में केसेस होते हैं, तो यदि कोई माफिया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर एक शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है सर, खुलेआम शराब पी रहे हैं, तो उसको आप देखिए उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी सरकार का नया नियम आया उसके आलोक में अगर जो भी परिवर्तन हुआ है उसके आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। अगर जिसमें जेल भेजना होगा न्यूसेंस कर रहे हो तो जेल भी जाएंगे, और ऐसे लोग जो माफिया लोग हैं जो बराबर इस तरह की कर रहे हैं तो उस पर तो सख्त कार्रवाई होगी, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। और जहाँ तक भू माफिया वाली बात जो आप कह रहे हैं ये बात सही है, क्योंकि शहर का एक्सपेंशन हो रहा है तो कुछ इस तरह की शिकायतें भी मिलती है कि एक ही जमीन को कई बार उसको म्यूटेशन अलग अलग नाम से भी कर दिया जाता है, इस तरह की शिकायतें होती हैं, या एक ही जमीन का पर्चा काट दिया जाता है दो विभिन्न लोगों को, तो वो उसके निराकरण के लिए ही ये व्यवस्था लागू की गई कि जो प्रत्येक शनिवार के दिन SHO जो है वो बैठेंगे CI या CO के साथ जो भी ब्लॉक होंगे और उसका निराकरण करेंगे। यदि वहाँ पर नहीं होता है तो प्रत्येक 15 दिन में SDO और SDPO लोग बैठेंगे और महीने में SSP साहब और DM साहब बैठेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की जो व्यवस्था लागू करी है उसी को देखने के लिए मैं आया हूँ कि उसका क्या परिणाम हो रहा है, बैठकें हो रही है कि नहीं हो रही है, चीज़ों का निराकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात सही है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जो लैंड माफिया वाली जो बात है उससे मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और उसमें मतलब मुझे कहने में ये अफसोस नहीं है, या वो नहीं है कि अफसोस तो नहीं कहूँगा, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि कुछ इसमें सरकारी लोग को भी मिली गलत हो सकती है सर। तो यदि इस क्रम में पुलिस इसके अनुसंधान करेगी, यदि कोई आएगे जिनके द्वारा इस तरह की जानबूझ के गलती की गई है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, लेकिन ये भू माफिया वाले में लोग ये ना सोचें कि हम गलत काम करके बच जाएंगे। लेकिन लगातार सर इसकी संख्याएं बढ़ रही है, अगर थाने की बात करें थाने स्तर पर पहले भीड़ नहीं होती थी लेकिन अब दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जाती है सर। देखिए इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पहले जब भी कोई आदमी भू विवाद से लेकर अपना मामला आता था तो थाने वाले हाथ झाड़ देते थे, पुनः मैं कहूँगा कि बात को कहने मुझे संकोच नहीं है, थाने वाले कहते थे भू विवाद है आप जाइए
सीओ साहब के पास जाइए, एसडीओ साहब के पास जाइए, और उसी को लेके बाद में फिर मारपीट होती थी, हत्या हो जाती थी, दंगा राइटिंग हो जाती थी। तो ये पहल की गई है कि हर स्तर पर भू विवाद के जो मामले हैं उनको अधिक से अधिक निपटारा किया जाए, ताकि जिसके कारण भविष्य में हमारे जो अपराध हैं उनमें कुछ कमी आए। यदि कोई एक फोरम मिल जाएगा जिस पे आप मान लीजिए लड़ाई चल रही है अपने बगल गिर से या भाई से या मुखिया से पड़ोसी से, अगर उसका निराकरण नीचे स्तर तक हो सकता है। कुछ मामले ऐसे हैं जो कि सिविल कोर्ट से ही उनका निपटारा होगा, लेकिन जो मामले पुलिस के हस्तक्षेप से और सीओ साहब के हस्तक्षेप से निपट सकते हैं, अगर उनका यहाँ पे एक फोरम बन जाएगा तो वो मारपीट और क्राइम में कमी आएगी। सर एक मामला इसी थाने का है सर, जीएम रोड में पिछले इसी साल 10 फरवरी को भूमि विवाद में सर 3 लोगों की हत्या हो गई थी जलाकर, और वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कही है कि जो गवाह है, जो हम लोग का बयान था उसमें छेड़छाड़ है और हस्ताक्षर जो है मेरा वो मेरा हस्ताक्षर नहीं है। 3 हस्ताक्षर अलग 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 3 हस्ताक्षर अलग, जैसे उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। ठीक है, वो अपना इस संबंध में आवेदन दे दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मुझे लगता है कि एसएसपी साहब को इसकी जानकारी होगी या नहीं है, तो अपना आवेदन दे के उसकी जाँच हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जो भी कहना चाहती है उनकी बातों को सुना जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक ये बात है कि किसने हेरा फेरी की या गलत हस्ताक्षर वाला लगा दिया तो उसकी भी जांच हो जाएगी। इसमें कोई अगर घटना के समय आदमी कोई बयान देता है या उसके बाद अगर अपना बयान दूसरा देता है तो चीज़ों को देखा जाएगा कि इस परिस्थिति में बयान बदला है या क्या है, लेकिन उसको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनकी जो बातों में अगर हेर फेर कर दी गई उसका कोई निराकरण नहीं होगा। पुलिस उसका गहराई से अनुसंधान करेगी, बहुत दुखद घटना थी और उसमें जो भी समुचित और उचित कार्रवाई है वो यहाँ दरभंगा पुलिस करेगी। यातायात संबंध में सर क्या कहना है? यातायात उन्होंने डीएसपी साहब के साथ भी बैठक की, यातायात डीएसपी भी यहाँ पर है, तो हम लोगों ने कुछ कोशिश, पुलिस बल की थोड़ी कमी है, एसएसपी साहब से हमने अनुरोध किया है कि कुछ पुलिस बल यदि इसमें बढ़ा सकते हो और चौक चौराहे पे कुछ लोगों को वर्दी भी अगर दिया जा सकता है, सिपाही जो ट्रैफिक वाली होता है तो उसका एक विजिबल फोर्स हमको दिखाई पड़ेगी। और मैंने ये भी अनुरोध किया है कि मेन जो बाजार का टाइम होता है उस समय कुछ अधिक संख्या में थाने वाले लोग भी वहाँ पे बाजार में रहें, पैदल ही रहें, क्योंकि यातायात में लोगों को ट्रैफिक पुलिस का सहयोग कर सकें। सर बेल केसेस में जो साथी रहे उस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? जो ये जो बेल जो होता है कैंसिलेशन के लिए सर, अगर साथी रोक उसमें सर कहाँ तक कार्रवाई है ना क्या होगा? बेल कैंसिलेशन का मामला की तो आज अभी समीक्षा नहीं हुई, लेकिन वो अभी हमारे क्या कहते हैं उसमें एजेंडे में है। तो जिला से हर जिला में हर रिपोर्ट जाती है जिसमें बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव भेजा जाता है, तो बेल कैंसिलेशन भी मैं मुख्यालय स्तर पर मैं ही देखता हूँ पूरे राज्य का, इसलिए सर से पूछ रहा हूँ। तो जैसा अगर एसएसपी साहब के यहाँ से प्रस्ताव आएगा तो उसको अपने समीक्षा करके आगे बढ़ाएंगे। सर थाने में गाड़ी की संख्या काफ़ी दिन प्रति बढ़ती जा रही है जिससे कि कई परेशानियां होती है सर, तो उस पर सर क्या गाड़ी की संख्या? अच्छा, जो जब्त गाड़ी, ये एक थोड़ी सी क्रॉनिक समस्या है, ये यहाँ की नहीं है, ये तो पूरे बिहार की समस्या है, क्योंकि हमारा थाना परिसर लिमिटेड है और उसके चलते मालखाना की जगह तो अलग है ही और जो परिसर में जो गाड़ियाँ हैं उसको रखने की जगह नहीं होती है, तो उसको हम लोग ने कोशिश किया है, सभी को निर्देश भी दिया है कि जो हमारा सीआरपीसी है सेक्शन 451 और 452 का प्रावधान है कि जिसका ट्रायल हो जाए उसको किस तरह से निराकरण करना है, उसको निष्पादन करना है वाहनों को, या कोई भी चीज़ जो कार्ड संबंधित जब्त की गई है 451 में है कि ट्रायल के दौरान यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको निष्पादन करना है। तो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें एसएसपी साहब डीएम साहब के साथ मिलकर उसको किसी तरह इसका निराकरण करेंगे। ये बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। फिर ये भी एक प्रस्ताव चल रहा है कि हम लोग सेंट्रलाइज एक जगह मालखाना बनाए, जिलों में अनुमंडल लेवल पे कुछ ऐसे बड़े यार्ड टाइप के वैकेट यार्ड बनाए जाए जहाँ पर गाड़ियों को रखा जा सके, तो वो सारी चीज़ें विचार में हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक जो हमारे पास जो कानून उपलब्ध है उसके तहत इनका निष्पादन करने का प्रयास करेंगे।